नमस्कार, मैं आपके साथ करीम खान। आप देख रहे हैं के न्यूज एक्सप्रेस। विश्वव्यापी ब्राह्मण एकता महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष चंद्र दीक्षित पर हुआ जानलेवा हमला। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के विश्वव्यापी ब्राह्मण एकता महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष चंद्र मंझोला थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी काशीराम के निकट सिरकुई भूड़ के पास अचानक अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। दरअसल 24 दिसंबर रात्रि 8 पंडित सुभाष दीक्षित अपने सहयोगी गोविंद प्रसाद शर्मा के पुत्र दीपांशु को लेकर काशीराम नगर से सिरकुई भूड़ के रेलवे क्रॉसिंग होते हुए मऊ जा रहे थे। जैसे ही रेलवे क्रॉसिंग पार किया, वहां पर पुलिस की मिली छूट से आजाद घूम रहे बदमाशों ने पंडित सुभाष चंद्र पर जानलेवा हमला कर दिया। जनपद मुरादाबाद मानो बदमाशों का गढ़ बन गया है। आए दिन रोड, सड़क लूट एवं हत्या जैसी घटनाएं आम होती जा रही हैं। ऐसा लगता है कि पुलिस की मिली छूट से बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। विश्वव्यापी ब्राह्मण एकता महासंघ के अध्यक्ष पंडित सुभाष ने अपनी कार का हॉर्न बजाया, तभी वे लड़के गाड़ी पर टूट पड़े, गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, लाइट तोड़ दी और उनके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट पर उतर आए। शोर सुनकर आसपास के लोगों ने आकर पंडित सुभाष को बड़ी बामुश्किल बचाया। सुभाष चंद्र जी वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकलने में कामयाब हुए। अज्ञात लड़कों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि आज तो तेरी जान बच गई, लेकिन दोबारा तुझे नहीं छोड़ेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित ने इस घटना को काशीराम पुलिस चौकी इंचार्ज पंकज कुमार यादव को फोन कर अवगत कराया। दरोगा पंकज कुमार ने कहा, मैं छुट्टी पर हूँ, आप 112 नंबर पर कॉल कीजिए या चौकी में तहरीर दे दीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यापी ब्राह्मण एकता महासंघ सुभाष दीक्षित ने चौकी काशीराम जाकर तहरीर दे दी है। उनका कहना है कि मेरे साथ इससे पहले भी एक घटना घट चुकी है, लेकिन पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करता। जब एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ऐसी वारदात के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती, आम जनता का क्या हाल होगा। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन अज्ञात लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को इंसाफ मिलता है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मुरादाबाद ब्यूरो, अमनीश त्यागी। आपका? मेरा नाम पंडित सुभाष चंद्र दीक्षित है, मैं विश्वव्यापी ब्राह्मण एकता महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी प्रचार प्रसार अभियान का मैं प्रदेश संयोजक हूँ। मेरे साथ में कल एक हादसा हो गया जी। हादसा ये हुआ कि मैं कल अपने मित्र के बालक को, दीपांशु नाम का बालक है, उसको मैं भेजने के लिए उसके घर जा रहा था रात लगभग 8 से 8:15 बजे के बीच में जी। अब जब मैं आ रहा था तो जब मैं वो एरिया पड़ता है ये सिरकोई भूड़, तो जो पहला फाटक है उस फाटक से पहले पतली गली, उस पतली गली की तरफ से जब मैं निकला तो वहाँ देखे 15-20 लड़के वहाँ पर खड़े हुए थे। तो मैंने जो है अपने को बचाने के लिए हॉर्न दिया। जब हॉर्न दिया तो उन लोगों ने हॉर्न देख सुन करके और गाड़ी पे आकर के बहुत तेज से घुसा मारा और चारों तरफ से, मतलब जब तक मैं कुछ समझ पाता तब तक चारों तरफ से गाड़ी घेर ली और गाड़ी में मेरी तोड़फोड़ की और मेरे को जान से मारने की धमकी दी। वो तो समय रहते ऐसी कुछ ऊपर वाले की कृपा हो गई कि वहाँ राहगीरों ने आकर के मेरी जान बचाई और जान बचा करके मेरे को किसी तरह से वहाँ से मतलब बोले भाग जाओ यहाँ से जल्दी आप महाराज जी। तो मैं वहाँ से निकला और निकलते ही चौकी इंचार्ज को मैंने फ़ोन किया और चौकी इंचार्ज को फ़ोन करने के बाद में जब वहाँ चौकी इंचार्ज ने मेरे को कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया तो मैं सीधा चौकी पहुँचा जा करके दूसरे रास्ते, उस रास्ते से भी नहीं डर के मारे में गया, दूसरे रास्ते से पहुँचा जा करके मैंने वहाँ पर तहरीर दे दी है। और तहरीर दिए हुए अब समथिंग तुम सोच लो 20-22 घंटे हुए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है वहाँ पर। और यदि प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है और यदि नहीं सुनता है तो मैं कल को, आज तो मैं विचार उसके समय में को देख रहा हूँ और कल मैं SSP महोदय से मिलूंगा। इस तरह से मेरे पे दो बार, एक बार तो मेरे को जान से मारने की धमकी हुई और कल मेरे साथ में जानलेवा हमला किया गया है।